नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला के अस्थायी मंदिर में 498 सालों के बाद इस सावन भगवान राम को चांदी के झूलों में झूला झुलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 21 किलो चांदी से भगवान श्री राम का ये झूला बनवाया है, जिस पर भगवान राम नाग पंचमी यानी कि 13 अगस्त को झूले में विराजमान होंगे और सावन की पूर्णिमा तक रामलला चांदी के झूले में ही भक्तों को दर्शन देंगे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि आज ये झूला रामलला मंदिर में पहुंचाया जाएगा और कल सुबह रामलला झूले में विराजमान किए जाएंगे। देखिए, धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। भगवान पहले विवाहित ढांचा में रहे, उसके बाद ढांचा गिरने के बाद त्रिपाल में आए। त्रिपाल में बहुत ही कठिनाइयां थी, 28 वर्ष तक वहाँ त्रिपाल में रहे भगवान श्री राम। और अब मंदिर बनने लगा है, जिस जगह मंदिर बन रहा है वहीं पर विवादित ढांचा और वहीं पर रामलला का अस्थाई मंदिर जो त्रिपाल था उसमें विराजमान थे। अब अस्थाई मंदिर बन गया है और उसी मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उसी सुविधाओं के बीच भी जो इस वर्ष का झूलन उत्सव हम नाग पंचमी के दिन शुरू करेंगे और यह इसको चौथ के दिन माने 12 तारीख को ही झूला आ जाएगा। अभी झूला वहाँ आया नहीं है और चांदी का झूला बन गया है और 12 को रात में झूला को लगा दिया जाएगा और 13 जो नाग पंचमी है उसी दिन से यह भगवान श्री राम अपने चांदी के पालने पर झूलेंगे। मऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर बिना अनुमति के ही सड़कों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मामले में पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर जमकर लाठीचार्ज भी किया। वहीं इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के मना करने के बावजूद भी सड़क पर लेटकर जमकर प्रदर्शन किया। अब मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो मऊ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का लाठीचार्ज इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। जुलूस निकाला जा रहा था जिसके संबंध में उनसे परमिशन मांगा गया कि कोई अगर परमिशन आपने लिया हो तो जरूर दिखाएं। कोई परमिशन उनके द्वारा नहीं दिखाया गया। वहाँ पर मौके के पुलिस द्वारा बताया गया कि आप परमिशन दिखाइए या तो जुलूस के रूप में मत जाइए, आपको जो ज्ञापन देना है वो संबंधित अधिकारी को मैसेज को दिख दीजिएगा। इस बात को नहीं माना गया, उसके बाद भी काफ़ी संख्या में जुलूस निकाला गया और शहर का जो व्यस्तम मार्ग है उस पर ये जुलूस निकालने की कोशिश की थी, जिसके कारण यातायात अवरुद्ध हुआ। काफ़ी सारे सामान्य लोगों को भी, जन सामान्य को प्रॉब्लम हुआ, वहाँ से रोड जाम के कारण आने जाने में कई लोगों को असुविधा हुई, जिसके कारण रोड जाम हुआ। उसी क्रम में पुलिस ने जो बिना परमिशन जुलूस निकालना और रोड जाम करते हुए यातायात अवरुद्ध करना, इन धाराओं में मुकदमा 46 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था। 46 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उनको सिटी मजिस्ट्रेट ने कुछ देर बाद बेल दे दी। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में अफजलगढ़ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस टीम ने गांव प्रेमपुरी रामगंगा नदी के किनारे जंगल में छापेमारी करते हुए अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की है, साथ ही करीब 800 लीटर लहन भी बरामद किया है जिसे पुलिस द्वारा नष्ट कर दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वैध शराब की भट्टियों पर पुलिस का कहर लगातार बरकरार है। बिजनौर का एक पूरा मामला है जहाँ पर अफजलगढ़ के जंगलों में अवैध रूप से शराब की भट्टियां चल रही थी, जिसको लेकर पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस ने छापेमारी की और एक व्यक्ति को यहां से गिरफ्तार कर लिया है और हजारों की संख्या में यहां पर लहन जो है उसके बर्तन देखे गए हैं और उपकरण भी बरामद किए गए हैं जिन्हें नष्ट किया गया।
तो बिजनौर का एक पूरा मामला आपको बता दें कि अभियान धरपकड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बिजनौर में जगह जगह पर पुलिस छापेमारी कर रही है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध रूप से यहाँ पर शराब की भट्टियां लगाई गई हैं। दूरदराज जंगलों में ये माफिया अवैध शराब की भट्टी लगाकर भारी संख्या में लहन इकट्ठा कर अवैध शराब बनाते थे और बाजारों में बेका करते थे। तो ऐसे में पुलिस ने छापेमारी करते हुए इसमें से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं कई लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया है। फिलहाल इस पूरे धरपकड़ में ये बात निकलकर सामने आई है कि इसके अलावा तमाम और भट्टियां हैं जो इस तरह से जंगलों में अवैध रूप से चोरी छिपे चलाई जा रही हैं। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां अभियान धरपकड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अवैध शराब की भट्टियों पर पुलिस का कहर बरपा है और यहां से एक की गिरफ्तारी भी की गई है, बाकी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के कमीला कॉलोनी में छोटी नहर के पास एक पन्नी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। वहीं अचानक लगी इस आग से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो ये हादसा गोदाम में रखे एक सिलेंडर के फटने के कारण हुआ है। इसके साथ ही हादसे में एक महिला के झुलसने की भी खबर सामने आई है। ये पूरा मामला सामने आया जहां पर एक कॉलोनी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के थाना मंडी में कॉलोनी थी, जहां पर एक गोदाम था जिसमें ये भीषण आग लगी। अचानक लगी आग से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है और उसके बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आग लगने के कारण क्या रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक सिलेंडर इस गोदाम में रखा गया था जो फट गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके साथ ही हादसे में एक महिला के झुलसने की भी खबर है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने देर रात एक घर पर हमला कर दिया। दबंगों ने घर पर जमकर पथराव किया और परिवार के साथ जमकर मारपिटाई करने के साथ ही महिलाओं के साथ अश्लीलता भी की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग लगातार मारपिटाई से पहले भी कर चुके हैं और घर में रखे 20,000 रुपए भी लूट कर वो चले गए हैं, जिसमें जेवरात भी शामिल है। वहीं पीड़ित ने मामले में कैंट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर नकटिया में रहने वाले श्रीराम ने कैंट थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका बेटा पड़ोस की अर्जुन की दुकान पर सामान लेने गया था। इसी दौरान उसका विवाद हो गया और इसी बीच लखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर ये ऐसा हुआ, हमारा ही बेटा है सर दीपक, तो पड़ोसी बोला कि तुमने हमारे बाप को मार दिया है सर, तो बोला कि वो बात सर खत्म हो गई। सही है, हम लोग चिराते थे भुजा उजा के, वो बात समाप्त हो गई। उनने 10-15 लौंडे इकट्ठे करे सर और हमारे घर में घुस आया थे सर, और लाठी डंडों से हमें बहुत पीटा सर। सामने हमारे भाई के सिर फट गया है सर, उसके साथ आके आए सर, और हमारी भाभी हैं उनकी कमर तोड़ दी है सर उनने, और हमारी भाई की बेटी है उसके कांटा मारा है यहाँ पर सर। और हमें जब हम मुकदमा अपने लिखाना है, दरोगा जी ने हमें बहुत गाली गंदी गंदी गाली बकी सर। अच्छा, कौन से दरोगा जी थे? संजय सिंह दरोगा जी। कहाँ के सर? नकटिया चौकी के सर। नकटिया चौकी के? हाँ। अब आप क्या चाहते हो सर? यही चाहते हैं कि वो लोग जेल जाएं सर, हम बहुत उनसे चार चार मुकदमे उन पर चल रहे हैं सर पहले ही से सर। एक वादी हैं श्रीराम, जिनके द्वारा थाना कैंट पर एक तहरीर दी गई। इनके द्वारा बताया गया कि ये ग्राम मोहनपुर नकटिया के रहने वाले हैं और अपने ही गांव के एक व्यक्ति है टिंकू, जहां पे इनका बेटा दीपक कुछ परचून की सामान लेने गया था। वहां पर जो खड़े व्यक्ति है, इसका नाम लखन एवं अन्य लोग हैं, इसको गाली देने लगे। इसके बाद में ये सभी लोग एक राय होकर इनके घर पे आए और लाठी डंडों से वार किए, इनके घर के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इनके चलते इनके चोटें भी आई हैं, इनका मेडिकल रिपोर्ट भी है, जिसके आधार पर थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको गिरफ्तार कर अगर विधि प्रशासन से कराई जाएगी।
कासगंज में बीजेपी सांसद राजबीर सिंह ने शहर के बाराद्वारी पर जिला सार्फा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें जिला सार्फा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल के नेतृत्व में जिला सार्फा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सांसद को एक HUID की प्रक्रिया को समाप्त कराने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जेवरातों की शुद्धता हेतु अनिवार्य हॉलमार्किंग का सार्फा एसोसिएशन ने स्वागत किया, लेकिन उसके साथ HUID का सार्फा एसोसिएशन द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी मामले में एसोसिएशन द्वारा सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो कासगंज में आज बीजेपी सांसद राजबीर सिंह ने शहर के बाराद्वारी पर जिला सार्फा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें जिला सार्फा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल के नेतृत्व में जिला सार्फा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सांसद को HUID की प्रक्रिया को समाप्त कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जेवरातों की शुद्धता हेतु अनिवार्य हॉलमार्किंग का सार्फा एसोसिएशन ने स्वागत किया, लेकिन यहाँ पर कुछ नाराजगी भी देखी गई है। बस्ती के गौटवा बाजार नगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कटिया के पास कार से झारखंड जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कार से 5 शवों को बाहर निकाला। आपको बता दें कि घटना के समय कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। यह हादसा इतना भयावह था, इस बात का अंदाजा कार की हालत से ही लगाया जा सकता है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड निवासी अब्दुल अजीज अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। बुधवार की रात वो अपने परिवार के साथ कार से झारखंड जा रहे थे, जिस दौरान नगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कटिया के पास यह हादसा हो गया। हादसे में कार सड़क किनारे खड़ी एक कार में जा टकराई। इस घटना में कार सवार अब्दुल अजमी, उनकी पत्नी और 3 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक अभिषेक और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। आज प्रातः 5:30 बजे थाना नगर की मोटैया चौकी के पास में लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले हाईवे पर एक SX4 गाड़ी का कंटेनर के पीछे लड़ जाने से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये परिवार अब्दुल अजीज जी का परिवार है। इनको कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि इनकी माता जी का देहांत हो गया है, इसलिए ये परिवार लखनऊ से झारखंड की तरफ जा रहा था। आज प्रातःकाल 5:30 बजे गाड़ी का एक्सीडेंट कंटेनर में घुस जाने से हुआ, जिसमें 5 लोगों की बॉडी अंदर पड़ गई थी, जिसको पुलिस के द्वारा गैस कटर और अन्य चीज़ों से काट करके बॉडी निकाली गई। इनके परिवार की एक बेटी सुरक्षित है, इसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है, और ये गाड़ी चलाने वाला चालक घायल हो गया था, जिसको नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया था। मौके पर पुलिस है, पुलिस किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। आप सभी लोगों ने घटना का निरीक्षण कर दिया है, मृतकों के परिजन आ गए हैं, उनकी मदद से आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में 4 दिन पहले सोते समय युवक को चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के बड़े भाई ने ही युवक की हत्या कर घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक मृतक के पिता ने रिटायरमेंट के बाद छोटे बेटे को पैसा देकर व्यवसाय करवाने का आश्वासन दिया था। इसी बात से नाराज बड़े भाई ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धमौरा थाना क्षेत्र के हाजी पट्टी गांव में अब्दुल नबी नामक युवक अपने कमरे में अकेले सो रहा था। इसी दौरान रात 1 बजे करीब किसी ने उसके चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। थाना दमौर के हाजी पट्टी गांव में एक अब्दुल नबी पुत्र अलीम खां नामक व्यक्ति की उसके घर में सोते समय हत्या की गई थी, और हत्या जिन परिस्थितियों में हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि किसी नज़दीक के व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस सक्रिय थी और एक टीम के अंतर्गत काम कर रही थी। पूछताछ, सुरागरसी और अन्य चश्मदीद साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि मृतक का एक बड़ा भाई है, जिसका नाम अब्दुल आखिर खां है, जिसके द्वारा स्वयं एक घटना वाली रात में चाकू से वार करके इसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में संदेह के आधार पर अब्दुल आखिर खां को लाकर और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना
जुर्म कबूल करते हुए जो आला कत्ल था वो बरामद कराया तथा घटना के पीछे ये बताया कि वह अपने पिता से दुकान खुलवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहता था, जबकि ये पैसा उसके पिता जो है मृतक को एक फैब्रिकेटर की दुकान चलाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए देना चाह रहे थे। एक विवाद का कारण ये था। दूसरा, जो मृतक था उसका शादी अभी हाल ही में एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिससे उसके दान दहेज भी काफ़ी मिला था और परिवार में वो भी एक ईर्ष्या का कारण बना हुआ था। इसी सब से अपने परिवार में उपेक्षा से ये युवक जो है ग्रसित था और भावनात्मक आवेग में आकर उसने ये घटना कारित की। लखनऊ में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर नगर निगम मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक बालू अड्डे की घटना को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन सपा के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित और रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान समाजवादियों ने नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब भी समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में हर साल की तरह इस साल भी मित्र मंच ने रानी पद्मावती के बलिदान दिवस को यादगार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी देते हुए मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक उर्फ बाबा ने कहा है कि उनके सामाजिक संगठन मित्र मंच में लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। आज इसी क्रम में पूरा ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के साथ 3 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने मित्र मंच की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि मित्र मंच हमेशा से हिंदुओं को जगाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग करता आया है। साथ ही उन्होंने सभी हिंदुओं से अपील की है कि वो संगठित होकर माँ पद्मावती के जौहर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाएं। कार्यक्रम ये मित्र मंच का सदस्यता अभियान, हिंदुत्व को जगाना, हिंदू राष्ट्र की मांग और माँ पद्मावती के जौहर दिवस पर हिंदू समाज संगठित होकर के उस जौहर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनावे, जिसमें हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी प्रधान संघ अध्यक्ष पूरा ब्लॉक, गया प्रसाद जी, जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जी और अशोक निषाद जी, हमको अपने हिंदू धर्म में सिखाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है बचपन से, और हमारा जो शास्त्र बताता है, हमारा जो उपनिषद बताता है कि लाखों वर्ष पूर्वों का हमारा इतिहास रहा है, ना कि 1400-1500 वर्षों का। महाभारत भी हुआ तो 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। राम जन्मभूमि का मुद्दा तो शांत हो गया है। राम जन्मभूमि के साथ साथ में हमको मथुरा और काशी भी चाहिए और आगरा का तेजो महल जिसको लोग ताजमहल कहते हैं उसको भी चाहिए। पीलीभीत के बिसरडा थाना क्षेत्र के गांव नगरिया तुलागिरी का रहने वाला 20 वर्षीय युवक राहुल 3 दिन पहले घर से लापता हो गया था, जिसके बाद आज उसका शव नहर में तैरता मिला। जानकारी के अनुसार लड़के को दौरे पड़ने की बीमारी थी। आपको बता दें कि युवक का शव दूसरे गांव की बल्हारी नदी में तैरता मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या घटना हुई आपके साथ? अरे घटना का है कि आज 3 दिन थे कि ढूंढेंगे और बच्चा जो है कि बाकी के ना पता हो, आज के लात मिली। लखीमपुर खीरी में क्राइम ब्रांच द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लखीमपुर पुलिस की सर्विलांस टीम ने 101 खोए और चोरी हुए फोन बरामद किए हैं। लखीमपुर पुलिस अधीक्षक विजय ढुलके के निर्देश में सर्विलांस सेल द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्र के आधार पर ये फोन बरामद किए गए, जिन्हें उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि बरामद मोबाइल फोनों की कीमत तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं मामले में एसपी लखीमपुर खीरी ने भी मोबाइल फोन बरामद करने वाली टीम को 5000 नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। कुशीनगर में एक बिजली का पोल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के कपूर पीपरा का है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की जान
गंवाने का मामला सामने आया। युवक की पहचान जयश्री पासवान के रूप में हुई है। वही घटना के बाद भी मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। वही मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत कर आधे घंटे में किसी प्रशासनिक अधिकारी के मौके पर पहुंचने की बात कही और ऐसा न होने की स्थिति में सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी है। बरेली का हवाई मार्ग अब महाराष्ट्र से भी जुड़ गया है और गुरुवार को बरेली से मुंबई के लिए फ्लाइट भी शुरू हो गई है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने मुंबई से आई पहली फ्लाइट के पैसेंजरों का स्वागत किया। आपको बता दें कि इस हवाई मार्ग का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बरेली सांसद संतोष गंगवार ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू होने से बरेली के उद्योग को पंख लगेंगे। आपको बता दें कि आने वाले 26 अगस्त से बरेली से दिल्ली के लिए सातों दिन फ्लाइट शुरू होने जा रही है। ये जो सरकार का प्रयास है वो हर शहर के नागरिक सुदृढ़ हों, मजबूत हों, उसके लिए ये जो फ्लाइट शुरू हुई है, इससे हमारे यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ का जो हर नागरिक है वो शहर के बड़े सेक्टरों से भी जुड़ेगा। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे आज नौकरी करने के लिए जाते थे, वो आईटी सेक्टर में बेंगलोर आईटी का एक हब है, उनको वहाँ के लिए फ्लाइट से जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बरेली में अब विकास की रफ्तार कई गुनी बढ़ गई है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बरेली के नागरिकों को भी उन्होंने फ्लाइट देकर हर बड़े शहर के लिए एक सम्मान देने का काम किया। बहुत अच्छा लगा। अभी तक जो हम लोग आते थे वो बाय दिल्ली, फिर दिल्ली से यहाँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अभी हम लोग जो है वो 2 घंटे में बरेली आ गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर। कान्हा जी मेरे साथ आते हैं हमेशा, पर अब ये फ्लाइट की खुशकिस्मती है कि कान्हा जी उनकी फ्लाइट में आए हैं फर्स्ट टाइम, तो ये उनकी बहुत अच्छा सफ़र रहा। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।